Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 19 of 20 idioms and phrases with meaning classes. इस वीडियो में आप अर्थ के साथ 20 मुहावरे और वाक्यांश पढ़ेंगे जो कि आपके SSC, CGL, GPO, रेलवे एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम और भी तरह तरह के जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और स्पोकन इंग्लिश इसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वीडियोज है idiom और phrases का, इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। After starting this course, you will be able to, ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, Learn 20 idioms and phrases. आप हर एक वीडियो में 20 idioms और phrases सीख पाएंगे और इससे क्या होगा, You will prepare for competitive exams, SSC, CGL, GPO, railway exam, banking, competitive exams और spoken English. ये सब के लिए आपको ये idioms और phrases काम आएंगी। Total 1000 idioms and phrases से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। तो छोटा छोटा पैकेट है 20-20 idioms का, एक एक वीडियो रहेगा, तो लाइन से आप सब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टू डू लिस्ट भी है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस मिनिमम 2 times daily, हर रोज कम से कम 2 बार आप वीडियोज को प्रैक्टिस करें ताकि कुछ ही दिनों में आपको पूरा याद हो जाए वीडियोज। मेक अ रूटीन टू लिसन द वीडियोज एज मच एज यू कैन। अब देखिए, ये ट्रेडिशनल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और जो जो चीज़ आपको सीखना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो वीडियोस भी जरूर बनाई जाएंगी। तो चलिए आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। शो वाइट फैदर, टू शो वीकनेस, भय प्रदर्शित करना। जब आप किसी चीज़ से डर जाते हैं, अपना डर दिखाते हैं, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं शो वाइट फैदर, टू शो वीकनेस, भय प्रदर्शित करना। साइन डाई, इनडेफिनेटली, अनिश्चित काम के लिए। अब जो चीज अनिश्चित काम के लिए होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन डाई, इनडेफिनेटली, अनिश्चित काम के लिए। सिट ऑन द फेंस, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, किसी का पक्ष न लेना। जब आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ठीक है, जो झगड़ा हो रहा है उसमें आप साइड में बैठे हैं, आप किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, तब होगा सिट ऑन द फेंस, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, किसी का पक्ष न लेना। स्लिप ऑफ द टंग, स्पोकन अनइंटेंशनली, जुबान फिसलना। बहुत बार ये लोगों के संग होता है, वो कहना नहीं चाहते हैं लेकिन उनका जुबान फिसल जाता है और ना चाहते हुए भी वो बोल पड़ते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, स्पोकन अनइंटेंशनली, जुबान फिसलना। स्लो कोच, अ पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, आलसी व्यक्ति। अब जो आदमी बहुत आलसी होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं स्लो कोच, अ पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, आलसी व्यक्ति। स्मॉल फ्राई, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब वो इंसान जो कि गैर महत्वपूर्ण है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्मॉल फ्राई, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इसका कोई महत्व नहीं है, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन, गलत होना महसूस होना। आप देखिए, अगर आपके घर में चूहा मर जाता है तो क्या होता है, स्मेल करता है तो आपको लगता है ना कि हाँ कहीं चूहा मरा है, कुछ गलती हुआ है। तो इसी तरह से जब कुछ गलत होने का आपको महसूस होता है तब होगा स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन, गलत होना महसूस होना। स्मूथ सेलिंग, ईजी प्रोग्रेस, परेशानी के बिना। जब कोई चीज बिना परेशानी के हो जाता है तब हम लोग कहते हैं स्मूथ सेलिंग, ईजी प्रोग्रेस, परेशानी के बिना। स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप। अब ये भी आप बहुत बार सुने होंगे कि ये आस्तीन का सांप है, मतलब रह तो आपके साथ ही रहा है लेकिन आपका ही दुश्मन है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप। शेक
in the shoes. I tremble with fear or apprehension. डर से कांपना, जब आप डर से पूरे कांप उठते हैं, आपको इतना डर लगता है कि आप कांपने लगते हैं, तब होगा shake in the shoes. I tremble with fear or apprehension. डर से कांपना. Show the dragon's teeth to create future trouble for yourself or others. भविष्य के लिए परेशानी करना. अब आप कुछ ऐसा काम किए हैं जिससे आपके भविष्य में आपको परेशानी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शो द ड्रैगन्स टीथ टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर्स. भविष्य के लिए परेशानी करना. अब ये परेशानी आप अपने लिए भी कर सकते हैं या किसी और के लिए भी परेशानी बना सकते हैं. स्पीक वंस माइंड, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स. मन की बात करना. जब सामने वाले का आप मन की बात कर बैठते हैं, वो जो बोलना चाहता है आप वो बोल देते हैं, तब होता है स्पीक वंस माइंड, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स. मन की बात करना. स्पिक एंड स्पैन इन ऑर्डर और नीट एंड क्लीन. साफ सुथरा. जब कोई चीज साफ सुथरा होता है तब हम लोग कहते हैं स्पिक एंड स्पैन इन ऑर्डर और नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा. स्टैंड ऑन वंस लेग्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. आत्मनिर्भर होना. जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होता है, आत्मनिर्भर होता है, तब हम लोग कहते हैं स्टैंड ऑन वंस लेग्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होना. स्टैंड और स्टिक टू वंस गन. To be strict and determined. अटल रहना. जो व्यक्ति अपनी बातों से पलटता नहीं है, जो व्यक्ति अटल रहता है, उसके लिए होता है stand और stick to one's guns. To be strict and determined. अटल रहना. उसको कोई भी उस अपने इरादों से हटा नहीं सकता. State somebody in good stead. To be of great use and benefit to someone. लाभदायक होना. जब आप किसी के लिए बहुत लाभदायक होंगे तब होगा स्टेट somebody इन गुड stead. टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन. लाभदायक होना. स्टील अ मार्च टू obtain एन एडवांटेज बाई सीक्रेट means. चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना. जब कोई आदमी चुपके से लाभ ले लेता है तब होगा स्टील अ मार्च टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मींस. चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना. स्टेप इनटू अनदर्स शूज टू टेक ओवर अ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन. किसी दूसरे की जगह ले लेना. जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की जगह ले लेते हैं तब होता है स्टेप इनटू अनदर्स शूज. अब आप उसका नौकरी ले सकते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को ले सकते हैं. तो Step into another's shoes to take over a job or responsibility of some other person. किसी दूसरे की जगह ले लेना. Stiff-necked person, stubborn or arrogant. ढीठ. अब जो व्यक्ति एकदम ढीठ है, किसी का नहीं सुनता है, उसका जो मन होगा वही करेगा, चाहे गलत हो सही हो, कोई कितना भी समझा ले सुनना ही नहीं है, एकदम ढीठ है, उसके लिए होता है स्टिफ नेक्ड पर्सन. स्टबन और एरोगेंट, ढीठ. स्टर अ फिंगर, मेकिंग एफर्ट, कोशिश करना. जब कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टर अ फिंगर, मेकिंग एफर्ट, कोशिश करना.